नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में अब पुलिस कटघरे में, जी हाँ, सागर में जुआ पकड़ा गया है, लेकिन दो आरक्षक लान अटैच किए गए हैं क्योंकि घर में ही जुआ खिलवा रहे थे। जी हाँ, जिस मकान में आरक्षक रहता था वहां चल रहा था जुआ, दबिश देकर 10 लोगों को पकड़ा गया है। जी हाँ, सागर के बंडा थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर पुलिस ने दबिश देकर जुआ फड़ को पकड़ा है और पुलिस ने कार्रवाई में 10 जुआरियों को गिरफ्तार भी किया है। और इसमें खास बात यह है कि जिस मकान में जुआ खेला जा रहा था उसी मकान में किराए से थाने के दो आरक्षक रहते हैं। उन पर संदेह है कि उनकी मिलीभगत से ही जुआ फड़ संचालित हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बंडा की संजय कॉलोनी में स्थित अनिल राय के मकान में जुआ खेले जाने की सूचना बंडा थाना प्रभारी नवल आर्य को मिली थी। खबर मिलने पर पुलिस टीम ने मकान पर दबिश दी, जहां ताश पत्तों पर हार जीत का दाव लगा रहे 10 जुआरियों को पकड़ा गया। जुआरियों को पकड़कर थाने लाया गया और पूछताछ की गई और कार्रवाई के दौरान ये तथ्य सामने आया कि जिस मकान में जुआ संचालित हो रहा था उसमें थाने के आरक्षक प्रवीण जाट और देवेंद्र से किराए से रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी जुआ फड़ के संबंध में जानकारी नहीं दी। आरोपों के चलते दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। बंडा एसडीओपी शिखा सोनी ने बताया कि संजय कॉलोनी में दबिश देकर 10 जुआरियों को पकड़ा है जिनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं आरक्षकों के संबंध में जानकारी मिली है जो वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है और आरक्षक प्रवीण जाट और देवेंद्र सिंह को लाइन अटैच किया गया। मामले में आगे की जांच की जा रही है। सुनिए जरा पुलिस का क्या कहना है। थाना प्रभारी बंडा को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि संजय कॉलोनी में अनिल राय के घर पे जुआ खेला जा रहा है, तो थाना प्रभारी द्वारा जब दबिश दी गई तो उसमें 10 लोग जुआ खेलते हुए पाए गए, जिन पर वैधानिक कार्रवाई की गई। और जो कि आप बोल रहे हैं कि आरक्षक निवास करते थे, तो जानकारी प्राप्त हुई है इस संबंध में, जिसके संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय भेजा गया है। अभी तत्काल उनको वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से लाइन अटैच किया गया है। आगे भी वैधानिक कार्रवाई की। आरक्षकों के नाम क्या? आरक्षक के नाम है एक देवेंद्र सिंह और प्रवीण जाट। तो जो जुआरू है उन कुल कितने थे आरोपी? 10 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।